कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन रिपब्लिक डे पर ऐसा दृश्य लाल किले के सामने देखने को मिला जो आज से पहले शायद कभी किसी ने ना देखा होगा। इस वक्त सुबह में जो हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं, हर तरीके से पुलिस की यहाँ पर नाकाबंदी हो रखी है, और सामने आप देखेंगे अगर तो जो हमारा राष्ट्र ध्वज है जो इस वक्त लाल किले पर से लहरा रहा है, उसके ठीक नीचे एक पोल पर निशंक साहब का जो झंडा किसानों ने फहराया था, उसको देखकर जिस तरीके से लोग अंदर घुसे लाल किले के और रिपब्लिक डे के दिन यहाँ पर हुड़दंग मचा, उसके बाद से पुलिस यहाँ पर डटी हुई है और भारी तैनाती है, वाटर कैनन्स भी अंदर लगाए हुए हैं। इन तरीके से पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से लोग दिल्ली में घुसे, वहाँ से जो हुड़दंग मचा, उसको लेकर 22 FIR अभी तक दिल्ली पुलिस लगा चुकी है लोगों पर। सुनने में आया है कि जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस के, वो भी इस पर काम करने को शुरुआत कर चुके हैं। किसानों का जो हुड़दंग यहाँ पर मचा था, उसके बाद से लाल किले को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मैं चाहूंगी कि अजय ठाकुर आपको दिखाएं जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तैनाती बनी रहेगी। जगह जगह पर इंटरनेट बैन लगा दिए गए हैं, इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई है, और फिर से देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्थिति जो है सामान्य होने में काफी दिन अभी लग जाएंगे। दिल्ली की अगर बात करें तो कनॉट प्लेस इस वक्त बंद है, ITO का इंटरसेक्शन बंद कर रखा है, और लोग यहाँ पर जुट रहे हैं देखने के लिए कि उस दिन क्या हुआ था। एक तरीके से पूरा लॉकडाउन कर दिया गया था 26 जनवरी को, जिस जगह से प्रधानमंत्री देश का सम्मान करते हैं, हमारे वीरों का सम्मान करते हैं वहाँ से, और काफी अब सवाल भी उठ रहे हैं कि कौन थे किसानों में ये लोग जिन्होंने यहाँ पर आकर हुड़दंग मचाने की कोशिश की। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज एक मीटिंग भी होगी और काफी जो एलिगेशंस है वो भी लगाए जा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आए थे वो किसान नहीं थे, और जो यहाँ पर हुआ वो एक किसान आंदोलन नहीं था, वो एक तरीके से एक रायट करने की जो मानसिक स्थिति थी उससे यहाँ पर पहुंचे थे। अजय ठाकुर के साथ रविरंजन शर्मा।